कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का दमोह आगमन हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। मैं दमोह की जनता से सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि समय जो भीषण महामारी है कोरोना की, सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, जनता भुगत रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। ये तमाम महामारी सिर्फ इस कारण है कि इसका जो मुखिया सरकार चलाने वाला है वो नाकाम है, वो सिर्फ नौटंकी बाज है जिसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। तो जनता को चाहिए कि उसको सबक सिखाने के लिए दमोह का ऐतिहासिक निर्णय दे, ताकि दमोह की जनता का निर्णय प्रदेश के तमाम कोरोना पीड़ितों के लिए एक संदेश जाए कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी सरकार ने करी थी, दमोह ने उसका हिसाब पूरा कर लिया। क्या लगता है दमोह में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं आपको, क्या? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से धोखेबाजी हुई है और जिस तरह से दगाबाजी हमारे साथ हुई है, कुठाराघात हुआ, उसका हिसाब जनता लेगी, ज़रूर लेगी। अभी तक ये राहुल सिंह के आरोप है कि कमलनाथ जी उनकी सुनते नहीं थे, इसलिए वो दमोह के हित के लिए पार्टी छोड़ के गए। एक मैंने सोशल मीडिया पे भी सुना था पहले कि मेरी नस्लें कहेंगी कि मैं बिक गया, फिर क्या जवाब दूंगा। तो अब मैं पूछना चाहता हूं उनके बच्चों का कि अब वो क्या जवाब देंगे इस परिस्थिति में, बताएं जो अभी का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम दमोह के हित के लिए बदले, दमोह के हित के लिए बदले, मुद्राओं के लिए बदले थे, जो मुद्राएं उन्हें चाहिए थी वो उनको मिल गई। अब जो जनता का धोखा उन्होंने करा है उसका जवाब देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज भी लेकर आ गए, उनका कहना था कि मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी दे रहे थे, जहां तक मुझे विधानसभा में मालूम है। और मुझे ये पता है कि तमाम रुचि के बाद कमलनाथ जी इसमें बहुत रुचि लिए हुए थे कि मेडिकल कॉलेज बने। शिवराज जी ने आरोप भी लगाया कि कमलनाथ जी ने जो मेडिकल कॉलेज आया था वो छिंदवाड़ा लेकर चले गए। जबलपुर को कमलनाथ जी दे रहे थे ये सबको मालूम है, और दमोह को दे रहे थे ये सबको मालूम है। विधानसभा की चर्चा इसकी गवाही है।